हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक फॉर यू माय चैनल। सभी पंस्पीड निवेशकों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके कुछ टॉप मोस्ट कमेंट जो हमारे पास आए हैं उनके जवाब लेकर आए हैं। सबसे पहला कमेंट जो हमारे पास आया है वो है राजेंद्र जुगल जी का है। राजेंद्र जुगल जी का कहना है कि निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिलेगा, ऊपर से पल्स का करोड़ों रुपया जुर्माना लगा है। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने पैसे के लिए कहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, और पल्स कंपनी के ऊपर इन्होंने तरस खाकर यह कहा है कि और ऊपर से पल्स पर करोड़ों का जुर्माना लगाया। जी हाँ दोस्तों, इनको दोनों का ही दुख है, और हमें इनकी इस कमेंट से ये पता चलता है कि बहुत उदारवादी हृदय के हैं। मेरे दोस्त, आपका पैसा भी मिलेगा, और जो करोड़ों का जुर्माना है वो आपके ऊपर नहीं, ये PSL कंपनी के ऊपर लगा है। इनके लिए करोड़ों का जुर्माना कोई मायने नहीं रखता। अगला कमेंट हमारे पास आया है अमरनाथ जी का। अमरनाथ जी का कहना है कि सेबी नहीं देगी पैसा जनता को, सेबी और तुम बेवकूफ बनाते हो, दिस करेक्ट योर आंसर। जी हाँ दोस्तों, अमरनाथ का एक बहुत बेहतरीन सवाल, जिसमें हमारे ऊपर एक टॉन्ट कसा है, और उस टॉन्ट से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि सेबी विभाग नहीं देगा पैसा। ये तो सही बात है, जनता और सेबी और तुम सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। तो भाई, यहाँ पे जनता का जो आपने नाम ले दिया ये गलत करा। सेबी और हमें आप कह सकते हैं, ये आपकी हम बात मान सकते हैं कि, लेकिन जनता में तो ऑलरेडी सारे ही आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। आपको कहना है हमसे, हमें कहिए, सेबी को कहिए, लेकिन जनता को कहना आपके लिए सही नहीं होगा। अगला सवाल तरुण मोहित जी का कहना है कि पैसा मिलेगा के नहीं। भाई मोहित, तरुण मोहित जी का, या दोस्तों अपने स्टाइल में एक अलग कमेंट, उनका लिखने का स्टाइल बहुत नाइस। पैसा मिलेगा के नहीं भाई? जी हाँ दोस्तों, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और आपका पैसा कोई मालिया या ऐसा कोई भगोड़ा लेकर नहीं भागा। जी हाँ दोस्तों, ना कोई नीरव मोदी लेकर भागा है, आपका पैसा इंडिया गवर्नमेंट के पास है, और पूरी प्रॉपर्टी आपकी सब गवर्नमेंट के अंडर में है। अब गवर्नमेंट के अंडर में होने का मतलब यह है कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन उसमें देर है, अंधेर नहीं है। कुछ फॉर्मेलिटियाँ पूरी होंगी और आपका पैसा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड सबमिट ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। पैसा मिलने की जो प्रोसीजर है वो भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा, दिवाली तक आपका प्रोसीजर चालू हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपने 5 साल तक इंतज़ार किया, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए हमारे कहने से। अगला सवाल जिन्स पठानी का कहना है, एक पैसा नहीं मिलेगा, मोदी के राज में लूट गया सब कुछ। जिन्स पठानी जी, यू आर करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इनका एक ऐसा ये आंसर है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछला टाइम वो भी मोदी जी का था, ये आने वाला टाइम ये भी मोदी जी का चल रहा है। तो अब इनकी सरकार में अगर निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा, तो निवेशक इस तरीके के कमेंट करने स्वाभाविक है करेंगे, और हम भी उनको सराहेंगे, क्योंकि सरकार ने अभी तक किसी भी निवेशक के हित में कोई फैसला नहीं लिया, कोई सार्वजनिक इस तरीके से भाषण नहीं दिया जिससे लगे कि 5 करोड़ 85 लाख जो एक कंपनी के हैं उन लोगों को आश्वासन मिले। अदर कंपनियों को लगाया जाए तो दोस्तों इसकी संख्या जाने कितने करोड़ बैठ जाएगी। तो उन लोगों को, सबको इस वक्त इन्होंने इग्नोर कर रखा है, कहीं से कहीं तक इन निवेशकों के लिए कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं दिखाई दे रही। अगला सवाल है डॉक्टर सैयद उस्मान का। डॉक्टर सैयद उस्मान का कहना है, पैसा कब मिलेगा? क्या दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल कि पैसा कब मिलेगा। इससे पहले भी हमारे पास लाखों कमेंट इसी
सवाल के थे कि पैसा कब मिलेगा, उस वक्त हमने आप लोगों से ये कहा था कि ये तो ब्रह्मा ही जानता है कि आपका पैसा कब मिलेगा, लेकिन आज हम आपको बता दें कि आपका पैसा बहुत जल्द मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल लोढ़ा कमेटी और सेवी विभाग दोनों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि रिफंड प्रक्रिया का प्रोसीजर बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, बशर्त यह है थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। अगला कमेंट है रंजना नक्शीन का। रंजना नक्शीन का कहना है और कितनी देर लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये इनका एक बड़ा सवाल, इस सवाल को हम बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि इनका कहना है कि इतनी देर तो लग चुकी और कितनी देर लगेगी। देखो रंजना जी, अभी फिलहाल रिफंड प्रोसीजर के सभी बॉन्ड सबमिट कर दिए गए हैं और अब पैसे देने की भी बारी आने वाली है। शुभ दीपावली पर आपका पैसा इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद हमें प्रभु से है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हमें सुप्रीम कोर्ट पर और सेबी पर और लोढ़ा कमेटी पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अन्यथा फालतू की बात करके ना तो हम आपको दुखी करना चाहते हैं और ना हम कुछ ऐसी फालतू की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि सभी गरीब निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिले। और दोस्तों सबसे ज़्यादा तो इस वक्त मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं स्पेशल ऑर्गेनाइज़र PSEL में रह चुका हूँ, जिसमें 4 रैंक मेरे नीचे काम करती थी। उन रैंकों का मेरे ऊपर कितना प्रेशर है जी हाँ दोस्तों, बस वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन यह है कि एक हिम्मत है कि जान मान अल्लाह की और सब कुछ कर्जदारों का। वाली एक कहावत, इस वक्त हम निवेशकों और अपने एजेंटों के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। कोशिश कर रहे हैं, पैसा हमारी जेब में नहीं गया, कंपनी को लगाया है, कंपनी से इंडिया गवर्नमेंट ने लिया और इंडिया गवर्नमेंट से हम आपको दिलाएंगे। और उसका प्रोसीजर भी चालू करा दिया है और बॉन्ड भी सबमिट करा दिए हैं, अब पैसा मिलने की बारी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो की समय सीमा होती है समाप्त। अगर आपका भी कोई ऐसा कमेंट हो जिसमें आप हमारे साथ कुछ पूछना चाहते हैं, कोई हमें सूचना देना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कमेंट कर कर अपने सवाल की प्रतीक्षा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।